प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपने इस समस्या को कभी खो दिया है या इस समस्या का भव्य सान्निध्य को कभी भूल गया है? ऐसा है तो आज के पवित्र सुसमाचार इस समस्या का सान्निध्य को पुनः पहुंचने के लिए हमें सिखा रहे हैं। पर्व के दिन में हरेक यहूदियों के समान ईसा मसीह के माता पिता ईसा मसीह को लेकर यरूशलेम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वहां से लौटते समय लोगों ने यही सोचा था कि ईसा मसीह उन्हीं के साथ होंगे या दल यात्री दल के साथ होंगे, यही सोच को उन लोग आगे बढ़े। एक दिन के बाद उनको पता चला कि ईसा मसीह उनके साथ नहीं थे। जब उनको पता चला तब उन्होंने ईसा मसीह को ढूंढने लगा, अपने सखियों के साथ यात्री दलों के साथ ढूंढते ढूंढते वापस उन लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। हम भाई बहनों ईसा मसीह को खोने के तुरंत बाद जब भी उन्हें को पता चलने पर उन लोग ईसा मसीह को ढूंढते हैं। हम भाई बहनों एक दिन कोई कोई ईसा मसीह को दो दिन ढूंढ के उन लोगों ने वहां पर मंदिर में पवित्र वचन को व्याख्या के बीचों बीच ईसा मसीह को पाते हैं। आज हम लोगों को भी ईसा मसीह को जाते समय उचित स्थानों पर उचित तरीके से उसी को ढूंढने पर हमें वो मिल जाएगा। इसलिए ही भारू का ग्रंथ चौथा अध्याय 28 वाक्य हमसे कहते हैं, पहले तुमने ईश्वर से दूर भागने के सोची थी, आज 10 गुण उनसा उसे खोजना है। हम भाई बहनों यरमियास का ग्रंथ 29 अध्याय 13 वाक्य में कहते हैं, अगर तुम संपूर्ण मन से उनको ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। आज प्रभु के दिव्य सान्निध्य में रहते समय हम संपूर्ण मन से उसी प्रभु को ढूंढने की कोशिश करें, प्रभु के सान्निध्य की अपने आप को जोड़ कर रखें और उसी सान्निध्य में पुनः अपने आप को बना कर रखने की कोशिश करें। माता मरियम और संत यूसुफ इस समस्या को एक के बार खोया था, फिर पूरे जिंदगी में उसी से अलग नहीं हुआ। चाहे क्रूस हो, वेतना हो, ये क्रूस के नीचे रखने पर भी ये माता मरियम वही से अलग होने के लिए सोचा ही नहीं था। हम भी अपने जीवन में उसी प्रकार प्रभु के सन्निधि में अपने आप को जोड़ कर रखने वाला अच्छे सच्चे क्रिश्चियन बन जाए। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सबको यीशु।